हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में भाई हमारे पास अपनी रेनो ट्राइबर जो कि चल चुकी है टोटल 40,000 किलोमीटर। तो आज हम इसका भाई एक रिव्यू शूट करने वाले हैं कि 40,000 किलोमीटर में हमारी गाड़ी ने आखिर कैसा परफॉर्म किया है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आई हैं, किस चीज में गाड़ी अच्छी है, किस चीज में गाड़ी खराब है, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, क्या इसके निगेटिव्स हैं, उन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए एक बार मैं आपको दिखा दूं कि हमारी गाड़ी कितनी चली हुई है। तो ये देखो, ये अपनी गाड़ी चल चुकी है 40,156 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से एक यू टर्न लेते हैं, आते हैं रोड पे और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग रोड पे और सबसे पहले पॉइंट के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें कि क्यों आखिर रेनो ट्राइबर आपकी चॉइस होनी चाहिए। तो जैसे कि मेरे पास भाई और भी ऑप्शंस थे, ये गाड़ी है 2020 अगस्त की, रेनो ट्राइबर का टॉप मॉडल है ये रेनो ट्राइबर RXZ। उस टाइम पे इसकी कीमत थी 8.5 लाख रुपए, अब शायद और बढ़ गई हो। लखनऊ से हमने गाड़ी को उठाया था, मैनुअल में है ये, टॉप वेरिएंट है। तो इसके सारे फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्यों ये हमारी चॉइस बनी, तो उस टाइम पे अपने पास जो ऑप्शन था वो था अल्टिगा। अल्टिगा के सिवा और कोई भाई ढंग का ऑप्शन समझ में आ ही नहीं रहा था, क्योंकि उसके अलावा भाई 7 सीटर में आ रही थी अपने पास डैटसन गो प्लस, तो उसे तो भाई मतलब कलंक है यार वो गाड़ी 7 सीटर के नाम पे। तो जिस प्राइस में ये गाड़ी आ रही थी उसमें भाई हमें अल्टिगा का बेस वेरिएंट मिल रहा था और थोड़ा बढ़ा के ही मिल रहा था, और अल्टिगा के बेस वेरिएंट में वो सारे फीचर्स नहीं थे जो फीचर्स हमारी रेनो ट्राइबर में हमको मिल रहे थे। उसके अलावा कुछ फीचर्स इसमें ऐसे थे जो कि अल्टिगा के टॉप वेरिएंट में भी नहीं है। जैसे इसमें भाई आपको जो की मिलती है वो आपको एक स्मार्ट कार्ड मिलता है, आपके जेब में बस कार्ड पड़ा हो, आप गाड़ी के पास आइए, गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाएगी, आप गाड़ी से दूर जाइए, गाड़ी अपने आप आपकी लॉक हो जाएगी, जो फीचर भाई और किसी भी गाड़ी में मुझे नहीं मिला है जो रेनो के स्मार्ट कार्ड में होता है। मतलब आपको लॉक तो करना ही पड़ता है और रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ आपकी जेब में गाड़ी की चाबी पड़ी होनी चाहिए। उसके अलावा भाई गाड़ी एकदम नई आई थी, जो इसका कलर है मस्टर्ड कलर की गाड़ी है, आपने भी बाहर से देखा ही है, ये कलर बहुत ही यूनिक था उस टाइम पे। अपने जिले में पहली गाड़ी मैं ही लेके आया था रेनो ट्राइबर, उसके बाद ही हमारे चित्रकूट में और रेनो ट्राइबर आई हैं, और जितनी भी आई हैं भाई मोस्टली अपने ही जानने वालों में से आई हैं। तो चित्रकूट भाई छोटा सा जिला है, तो हर कोई ना यहाँ पे एक दूसरे थोड़ा कनेक्टेड ही रहता है, तो इस वजह से हमारी चॉइस थी रेनो ट्राइबर, क्योंकि गाड़ी यूनिक थी, कलर यूनिक था, इस प्राइस में हमें एक 7 सीटर ऑफर की जा रही थी वो भी इतने अच्छे फीचर्स के साथ। उसके बाद भाई बात करते हैं हम लोग इसके व्यूइंग एंगल की। तो गाड़ी में जैसे देखो अभी कैमरा मेरे फेस के ठीक सामने है, तो देखो किस टाइप से आपको जो व्यूइंग एंगल है वो है। अगर आप इसमें कोई हैचबैक पहले चला रहे थे फिर आप रेनो ड्राइवर चलाएंगे तो आपको ज्यादा फील नहीं होगा कि मैं कितनी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। अगर आप कोई एसयूवी चला रहे हैं उसके बाद आप आके रेनो ड्राइवर चलाएंगे तो आपको नहीं फील होगा कि मैं कोई बहुत छोटी गाड़ी चला रहा हूँ। एकदम डिसेंट लेंथ है भाई गाड़ी की, जैसे अल्टिगा है वो थोड़ा सा लंबी ज्यादा है, रिवर्स वगैरह करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है एक बार, लेकिन भाई जब आदत पड़ जाती है तो किसी में भी कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मुझे स्कॉर्पियो है ना, कहीं से भी कैसे भी करके बैक करा लो, कुछ भी करा लो, कितना भी जाम में चलवा लो, पार्क चलवा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर हाँ, अगर कोई बंदा पहली बार चला रहा है तो उसे लगेगा कि मैं कितनी बढ़िया एसयूवी चला रहा हूँ, तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद भाई बात करते हैं हम लोग इसके सीटिंग कम्फर्ट की। तो इसमें आपको 3 रोज मिलती है, जब आप ड्राइवर साइड बैठते हैं या मिड रो में बैठते हैं या फिर लास्ट रो में बैठते हैं। तो ड्राइवर साइड की अगर बात करें तो इसमें भाई आपको बहुत अच्छा अंडर थाई सपोर्ट, लेग रूम, नी रूम, हेड रूम, सारी चीजें मिल जाती हैं। सीट इसकी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, कितना भी आप लंबा ट्रेवल कर लो इससे। भाई मैंने मैक्सिमम 500 किलोमीटर एक दिन में किया है, वो भी रात में। रात में मैं अपने घर से 1 बजे चला था और जहां मुझे पहुंचना था मैं लगभग 4.5 से 5 घंटे के अंदर पहुंच गया था एक्सप्रेस वे से। और ये भी नहीं कि मैंने कोई बहुत धीमी गाड़ी चलाई है, 120-130 की मैं गाड़ी आराम से भाई क्रूज होते हुए गई है, और गाड़ी में उस टाइम पे 6 लोग बैठे हुए थे। उस टाइम पे भाई गाड़ी ने बहुत अच्छा माइलेज भी दिया था, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो इसमें सारे रो में जितने भी लोग बैठते हैं सारे लोग काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, आपको थकान नहीं होगी इस गाड़ी में। कंफर्ट के मामले में तो भाई अल्टिगा भी इस गाड़ी को वेट नहीं कर पाती है, और रेनो ड्राइवर के जो ओनर्स है, मतलब और भी अपने साथ में एक रेनो ड्राइवर ओनर है मेरे ग्रुप में, उनके पास इनोवा क्रिस्टा भी है, वो बोलते हैं कि जो मजा मुझे रेनो ट्राइबर चलाने में आता है वो मजा मुझे इनोवा क्रिस्टा चलाने में नहीं आता है। तो मतलब आप देख रहे हैं कि इतने डेस्परेट ओनर्स होते हैं, और भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनर ही डेस्परेट है, गाड़ी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो आदमी भाई इनोवा रख रहा है तो उसने इनोवा में ही तो पैसे फूके हैं ना। वो कहते हैं भाई इनोवा बस भगाने में बहुत मजा आती है, 160-170 भागती है, मजा आती है, पर कंफर्टेबल मुझे ट्राइबर मेरी ज्यादा लगती है। उनके पास रेनो ट्राइबर का RXT वेरियंट है। उसके बाद भाई बात करते हैं इसके केबिन इंसुलेशन की। सारे शीशे ऊपर हैं और गाड़ी में एसी भी ऑन है। तो इंजन भाई इतना कोई नॉइजी नहीं है, 1000 सीसी का इसमें आपको इंजन मिलता है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सारी पॉइंट्स को मैं एक एक करके क्लियर करता चलता हूँ।
केबिन इंसुलेशन भी गाड़ी में बहुत सही है। 120 की स्पीड में जब आप चलेंगे तो आपको फील नहीं होगा, गाड़ी का आरपीएम भले ही हाई चला जाता है, मतलब 3-4 हजार आरपीएम तक गाड़ी चली जाती है 120 पे जब आप चलाते हैं। और भाई मैं जैसे थोड़ा सा तेज चलाता हूँ, बाकी के लोग क्या होता है ना कि वो लोग धीमे ही गाड़ी चलाना थोड़ा पसंद करते हैं, और जो लोग ऐसी गाड़ी लेते हैं वो तो धीमे ही चलते हैं क्योंकि वो फैमिली लेके अपने साथ चलते हैं। पर मेरा क्या है कि मैं ज्यादातर अकेले ही ट्रेवल करता हूँ, अभी भी देखो मैं अकेले ही ट्रेवल कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी में और कोई भी नहीं है। केबिन इंसुलेशन भी भाई गाड़ी में बहुत सही है, आपको नॉइजी इंजन नहीं फील होगा, एसी चला के आप कितनी भी दूर चले जाइए आपको ये नहीं लगेगा कि यार 1000 सीसी का इंजन है, अंडर पावर्ड है या नॉइज बहुत ज्यादा कर रहा है। बाहर कितनी भी ज्यादा नॉइस हो, हॉर्न बज रहे हो, कुछ भी हो, आप सारी शीशे अपने ऊपर कर लो, अंदर आपको कोई भी नॉइस नहीं सुनाई देगी। उसके बाद भाई अगले पॉइंट पे बात करते हैं इसके इंजन रिलायबिलिटी की। ये गाड़ी भाई अपनी चली हुई है देखो जैसे 40,000 किलोमीटर, एक और जो अपनी ड्राइवर है जो मेरे चाचा के पास है वो चली हुई 62,000 किलोमीटर, लो अपनी पेट्रोल की भीप भी आ गई है, तो वो चली हुई है भाई 62,000 किलोमीटर, और 62,000 में भी भाई उसमें कोई भी ऐसी इंजन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आई है, और वो तो बहुत ज्यादा चलती है, मतलब चलती ही रहती है। मेरे बहुत बाद में है, मेरी अगस्त में आई है, उनकी शायद नवंबर या दिसंबर में आई है, पर वो मुझसे ज्यादा चल चुकी है क्योंकि मैं हूँ, मैं लोकल में चलाता हूँ, वो लंबा लंबा ही हमेशा चलाते हैं। तो इसके बारे में आपने मिथ्स काफी ज्यादा सुने होंगे कि भाई रेनो ट्राइवर में इंजन काफी ज्यादा बेकार आपको मिलता है, सिर्फ डस्टर ही एक ऐसी गाड़ी है रेनो की जो कि खरीदने लायक है, ट्राइवर बेकार है, क्विड बेकार है, जो कैप्चर आती है वो बेकार है, सिर्फ आप रेनो की डस्टर ही ले सकते हैं। पर डस्टर भाई आजकल कोई लेता ही नहीं है क्योंकि जिसे डस्टर लेना होता है वो काइगर पे चला जाता है। मेरी गाड़ी में आपको थोड़ा सा नॉइज सुनाई दे रही होगी, हल्का सा बड़बड़ कर रही क्योंकि इसके लास्ट शो में थोड़ा सामान पड़ा हुआ है और मेटल का सामान पड़ा हुआ है, तो वही थोड़ा सा आवाज कर रहा है, और कार में कोई और ऐसी नॉइज नहीं आ रही है। ठीक है, तो इंजन रिलायबिलिटी की बात करें तो भाई कार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब अगर आप गाड़ी आपकी चलेगी तो ब्रेक शू वगैरह तो आपको चेंज कराने ही पड़ेंगे, तो वो चीज हमने भी चेंज करवाई है, और वो अपनी उस वाली भी ड्राइवर में चेंज हुई है, 50,000 में हुई है, मैंने 35,000 में अपने ब्रेक शूज चेंज करवा लिए थे। ओवरऑल इंजन रिलायबिलिटी की बात करें तो गाड़ी इसमें भी कोई भी आपको शिकायत नहीं देने वाली। उसके बाद अगले टॉपिक पे बात करें कि आपको कैसा फील होता है अगर आप फर्स्ट टाइम रेनो ट्राइवर पे बैठते हो या फिर चलाते हो। व्हाट इफ फर्स्ट टाइम यू आर सिटिंग इन रेनो ट्राइवर। भाई पहली बार जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको थोड़ा सा इसे चलाने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसे चलाने की जो टेक्निक है वो थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको थोड़ा सा एक्सीलेटर हाई लेना पड़ता है जब आप इसे फर्स्ट गियर में उठाते हैं। एज अ पैसेंजर बैठ रहे हैं गाड़ी में तब आपको भाई गाड़ी कंफर्टेबल लगेगी, आपको अच्छी लगेगी, और कोई आपको इसमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, ना ही आपको ऐसा लगेगा कि ये भाई कहां ही बैठ गया, मैं रॉन्ग साइड ही सब घुसे चले आ रहे हैं। उस साइड देखो सिर्फ एक ट्रक खड़ा हुआ है, ट्रक से यहाँ भाई मैं अपने स्कॉर्पियो एन निकाल सकता हूँ, यहाँ पे इतनी जगह है, पर लोग जरा जरा सी गाड़ियां लेके भी उस साइड से चले आ रहे हैं, अजीब लोग हैं भाई। हाँ, बैक टू द टॉपिक ब्रो, अगर आप फर्स्ट टाइम रेनो ट्राइवर में भाई बैठेंगे एज अ पैसेंजर, तो जैसे मैंने आपको बताया कि देखो अभी जैसे मैं फर्स्ट गियर पे मैंने उठा तो मुझे आरपीएम थोड़ा सा हाई लेना पड़ा, थोड़ा ज्यादा एक्सीलरेट करना पड़ा, पर एज अ पैसेंजर भाई आपको गाड़ी कंफर्टेबल लगेगी। मेरी गाड़ी में जो भी बैठता है या जो भी चलाता है और अगर उसकी कार लेने का प्लान होता है, वो डिजायर पिजायर कोई गाड़ी लेना चाहता है, तो वो भाई रेनो ट्राइवर पे ही चला जाता है। ये तो मतलब होता ही होता है, 8 रेनो ड्राइवर भाई मेरे जानने में इंक्लूडिंग मी 8 ड्राइवर हो चुके हैं चित्रकूट के अंदर, और 8 तो सिर्फ मेरे ग्रुप में है, अब इसके अलावा जाने कितनी है। अभी रिसेंटली मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक जानने वाले थे, वो आके भाई मेरी गाड़ी में बैठे, उनका कार लेने का प्लान था बोलेरो, ठीक है, बोलेरो का टॉप मॉडल लेने वाले थे, 7 सीटर की उनकी नीड थी, वो बैठे, इसके बाद भाई उन्होंने जाके रेनो ड्राइवर बुक करवा दिया टॉप मॉडल, कहा भाई मुझे बोलेरो नहीं लेनी है, वो कंफर्टेबल नहीं, जो मजा रेनो ड्राइवर में है वो बोलेरो में नहीं है, क्योंकि मुझे नॉर्मली अपने चलने के लिए गाड़ी चाहिए थी, बोलेरो में तो बड़ा बेकार लगता है, सीट वीट कहीं लंबे सफर पे चले जाओ तो बिल्कुल कंफर्टेबल है ही नहीं, पर रेनो ड्राइवर काफी ज्यादा है। देखो जैसे अभी मैं सिटी पे चला रहा हूँ भाई, तो एक हाथ से मैं ड्राइव कर रहा हूँ और वीडियो बनाता जा रहा हूँ, आपसे बात भी करता जा रहा हूँ, पर गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं फील होती है कि यार बड़ी दिक्कत हो रही है, देखो अच्छा खासा जाम है जब से मैं चला आ रहा हूँ। ओवरटेकिंग वगैरह में भी आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं फील होगी। तो अगर आप ड्राइवर में पहली बार बैठ रहे हैं तो आपका जो इम्प्रेशन होगा वो काफी ज्यादा पॉजिटिव ही होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं भाई हम इसके पावर की, तो भाई इसमें है 999 सीसी का एनर्जी इंजन, नॉर्मल इंजन नहीं है, एनर्जी इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 76 bhp विद 96 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क।
कुछ लोग को भाई ये इंजन थोड़ा सा अंडर पावर्ड फील होता है, लोग बोलते हैं, पर अगर मैं अपनी बात करूं भाई, मैंने इस गाड़ी को नदी तक में उतार रखा है। आई बटन पे आप देख सकते हैं, ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, नदी में मैंने गाड़ी उतार दिया तो मुझे लगा था पक्का फंस जाएगी। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, पर भाई गाड़ी ने बहुत सही परफॉर्म किया। उसमें कमेंट भी आ रखे थे कि भाई एसयूवी नहीं है, एमपीवी है, इसके साथ ये सारी चीजें ना करो, पर मैंने इसके साथ यूजेस एंड अब्यूजेस सारी चीजें की है, तो मुझे इसके बारे में हर चीज पता है कि भाई ये गाड़ी मुझे कहीं पे धोखा दे ही नहीं सकती है। कैसी भी रोड हो, आप इसको पहाड़ पे ले जाओ, नदी में ले जाओ, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग है वो कर लो, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना अच्छा है भाई कि ये गाड़ी भाई कभी नीचे से टच हो ही नहीं सकती है। ऑन पेपर भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस स्कॉर्पियो से भी ज्यादा है, ठीक है, पर भाई व्हील बेस मैटर करता है, उसमें आपको काफी ज्यादा बड़े पहिए मिलते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा छोटे मिलते हैं। पहियों की अगर हम बात करें तो इसमें आपको स्टील रिम्स ही ऑफर किए गए हैं 15 इंच के इसके टॉप वेरिएंट में, जो इसके नीचे के वेरिएंट्स हैं उसमें आपको 14 इंच के मिलते हैं, पर जो इसके भाई 15 इंच के स्टील रिम्स हैं वो एकदम अलॉय जैसे ही देखने में लगते हैं, और गाड़ी भाई आपकी कभी नीचे से टच हो ही नहीं सकती। मतलब आज तक वो 3 साल में मेरी तो कभी नहीं हुई है, अगर किसी और की हुई हो तो भाई पता नहीं, पर ना ये वाली हुई है और ना अपनी वो 60,000 किलोमीटर जो चली है वो वाली हुई है। तो जो भाई इसके स्टील रिम्स हैं एकदम अलॉय जैसे ही देखने में लगते हैं, लोगों को लगता है कि ये अलॉय व्हील्स ही हैं, पर काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं देखने में। ओवरऑल बात करें अगर हम इसके पावर की, तो पावर में भाई गाड़ी आपको अंडर पावर नहीं फील होगी भाई। 1000 सीसी का ये अगर TSI इंजन होता है कितनी अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है। तो इंजन की बात होती है, इंजन ट्यूनिंग भाई मैटर करती है, तो इस गाड़ी में भाई जो आपको एनर्जी इंजन मिलता है वो ठीक ठाक पावर प्रोड्यूस कर देता है, तो उससे भी आपको कोई खास इशू फील नहीं होने वाला है। उसके बाद भाई हम बात करते हैं इसके बॉडी रोल की, तो इस गाड़ी को भाई मैंने अभी तक मैक्सिमम 144 तक दौड़ाया है, और वीडियो पूरी पड़ी हुई है आप देख सकते हैं, मतलब ऑन वीडियो तो मैंने इसे 144 तक, और ऑफ वीडियो मैंने इसे 160 भी क्रॉस कर दिया है। बॉडी रोल भाई गाड़ी में आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा, और वैसे भाई एमपीवी में आपको क्या ही बॉडी रोल फील होगा। कुछ लोग कहते हैं गाड़ी हल्की है, गाड़ी 100 के बाद थोड़ा सा जमीन छोड़ देती है, लहराती है, तो लहराने का मतलब भाई बॉडी रोल ही होता है, वो आपको इसमें फील नहीं होगा। गाड़ी एकदम स्टेबल होकर चलती है रोड पे, कितना भी आपकी हाई स्पीड क्यों ना हो। उसके बाद भाई बात करते हैं हम इसके सस्पेंशन की, जो गाड़ी को काफी ज्यादा कंफर्टेबल बनाता है। मेरे वीडियो में जब मैं शुरू में भाई इसके रिव्यूज देता था, कई सारे कमेंट्स आते थे कि भाई आप भी तो बहुत बता रहा है, थोड़ा 25,000 किलोमीटर तू चलने दे, इसमें इसका काम आएगा, सस्पेंशन खराब हो जाएगा, तू रोएगा अपनी गाड़ी लेके। तब भी मुझे लगता था कि भाई कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दिया, पर भाई लोग हेटर्स जो होते हैं कुछ भी लिख देते हैं किसी गाड़ी के, जो अल्टिया फैन बॉयज होंगे वो आके ड्राइवर को बुरा ही बोलेंगे, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गाड़ी में, और सस्पेंशन सेटअप गाड़ी का बहुत अच्छा है, आपको गड्ढे वड्ढे बिल्कुल भी फील नहीं होंगे, आप कितने भी खराब रोडों पे क्यों ना चले, और गाड़ी में एक सस्पेंशन सेटअप काफी बढ़िया ऑफर कर दिया गया है। उसके बाद भाई बात करते हैं गाड़ी के रियल लाइफ माइलेज के बारे में। MID पे मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लोग कहते हैं MID पे गाड़ी कुछ भी दिखाती है, तो मैं आपको रियल लाइफ बता रहा हूँ। मैंने हाईवे पे भी गाड़ी बहुत चलाई है, और मैंने गाड़ी सिटी के अंदर भी बहुत चलाई है। ऑन AC देखो, जैसे अभी मेरी गाड़ी में AC ऑन है, तो सिटी में भाई ऑन AC ये गाड़ी आपको 12-13 का माइलेज दे देती है, और हाईवे पे वहीं अगर आप कांस्टेंट स्पीड पे चलते हैं, 80 के अगर आप नीचे चलते हैं या फिर 80 तक में चलते हैं, तब आपको भाई ये गाड़ी 17-18 का एवरेज भी दे देगी, पर वहीं अगर आप इसे 100 प्लस चलाते हैं या 110 प्लस चलाते हैं तो गाड़ी का माइलेज गिर के 15 आ जाएगा। और ये मैं बता रहा हूँ भाई, गाड़ी में 6 लोग ही मैंने बैठा के अभी तक चलाया है, 7 लोग बैठा के, वैसे गए हम लोग, पर 7 लोग बैठाने के बाद लगभग 14 का माइलेज गाड़ी निकालती है, पर हाँ जब 100 से नीचे चलती है तब। उसके बाद भाई बात करते हैं हम गाड़ी के गियर बॉक्स की, तो भाई गाड़ी में आपको 5-स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, जिसमें कि रिवर्स आपको ऐसे उठा के और ऐसे पीछे साइड लगाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो गियर बॉक्स भाई गाड़ी का काफी ज्यादा स्मूथ है, और जैसे मैंने बताया ना कि गाड़ी बहुत फन टू ड्राइव है, देखो बोलेरो वाले को देखो कहां से कहां चला आ रहा है कुछ भी भाई, तो गियरबॉक्स भी भाई गाड़ी का काफी ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी ऐसा क्लिंजी सा आपको इसमें गियरबॉक्स नहीं मिलता है, एकदम स्मूथ गियरबॉक्स है, खटाखट इसके गियर लगते हैं, तो गियरबॉक्स में भी कोई इशू गाड़ी में नहीं है। उसके बाद भाई हम बात करते हैं गाड़ी की AC की, देखो 2 पॉइंट पे अभी मेरी AC चल रही है, और गाड़ी एकदम ठंडी हो चुकी है, बाहर का भाई टेम्परेचर काफी ज्यादा है, अभी मालूम नहीं है पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देखो कितना ज्यादा बाहर का टेम्परेचर है, पर अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और इसमें भाई AC की एक सबसे खास बात बताता हूँ कि इसमें आपको तीनों रो में AC वेंट्स मिलते हैं, फ्रंट में, मिड में और लास्ट रो में भी इसमें आपको AC वेंट्स ऑफर किए गए, जो कि लॉन्ग रूट पे आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करेगा भाई, आपको गर्मी नहीं फील होगी। और इसमें एक चीज मुझे काफी अच्छी लगती है कि इसमें थर्ड रो में भी आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दे रखा है, तो आगे वालों से आपको भीख नहीं मांगनी कि भाई यार थोड़ा अपना चार्जर दे दो, मुझे अपना फोन चार्ज करना है, आप आराम से अपना फोन ऑन सब कुछ चार्ज कर सकते हैं थर्ड रो में भी बैठ के।
तो थर्ड रो भी भाई इसकी काफी कंफर्टेबल है, और जैसे कि मैंने बताया कि गाड़ी का सस्पेंशन सेटअप काफी अच्छा है, तो थर्ड रो में भी भाई आपको फील नहीं होगा कि आप गाड़ी के पहियों के ठीक ऊपर बैठे हैं और आप ऐसे बाउंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। थर्ड रो भी इसकी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि मैंने खुद एक बार वीडियो के लिए थर्ड रो में बैठ के ट्रेवल किया है। उसके बाद भाई बात करते हैं क्वालिटी ऑफ इंटीरियर की। तो देखो इंटीरियर की जो क्वालिटी है भाई, इसमें हर जगह आपको हार्ड प्लास्टिक का ही यूज देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको कहीं भी कोई भी सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा। बस यहाँ पे इसमें थोड़ा सा फैब्रिक लगा दिया गया, जो कि इससे नीचे वाले मॉडल्स में यहाँ पर भी आपको सेम इसी टाइप का हार्ड प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है। तो क्वालिटी ऑफ इंटीरियर की बात करें तो भाई आप इंटीरियर खुद ही देख सकते हैं, तो इंटीरियर कुछ ऐसा बहुत ज्यादा खराब नहीं लगता है देखने में, डिसेंट लगता है। कि अगर आपको इंस्टाग्राम की स्टोरियां वगैरह बनाना है ना, तो बहुत बढ़िया बना के डाल सकते हैं। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप कोई महंगी गाड़ी चला रहे हैं। देखो पूरा इसमें आपको डिजिटल मीटर ही देख रखा है, कोई भी वो कांटा एनालॉग वाला कोई भी काम नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ इंटीरियर भी भाई गाड़ी में बहुत सही है। उसके बाद भाई गाड़ी की बात करते हैं हम म्यूजिक सिस्टम की। इसमें आपको टोटल 6 स्पीकर ऑफर किए हैं, 2 आगे ट्विटर आपको मिल जाएंगे, बाकी 4 आपको स्पीकर मिलेंगे इसके डोर्स में। चारों डोर में आपको स्पीकर मिलते हैं, और भाई इसका म्यूजिक सिस्टम बहुत ज्यादा तगड़ा है। मतलब अल्टिका का भी म्यूजिक सिस्टम इतना तगड़ा नहीं है जितना अपने रेनो ट्राइबर का है। आप चारों शीशे ऊपर करके और अपना गाना भाई फुल करके निकल जाइए, आपको लोग मुड़ के देखेंगे कि भाई कौन आ रहा है पीछे से, इतना बढ़िया भाई इसका म्यूजिक सिस्टम है। ये चीज तो मैंने खुद ही फील किया है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा म्यूजिक लाउड ही सुनना पसंद करता हूँ। म्यूजिक सिस्टम भाई गाड़ी में बहुत अच्छा है, बेस वोकल्स हर चीज आपको काफी डिसेंट सुनाई पड़ेंगी। उसके बाद भाई बात करते हैं हम गाड़ी में ब्रेक्स की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस गाड़ी को 144 सेकंड वीडियो चला चुका हूँ, तो ब्रेक भी भाई गाड़ी में काफी अच्छे हैं। 2-3 बार ऐसी चीजें हुई है कि जिसमें भाई अगर गाड़ी के ब्रेक अच्छे ना होते तो आज मैं यहाँ पे वीडियो ना बना रहा होता। ये बात है भाई न्यू ईयर की, इसी साल की न्यू ईयर की ये बात है। मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा था और मेरी गाड़ी थी उस टाइम पे 117 की स्पीड में, और इतनी पास भाई जैसे यहाँ से और ये वाला जो खंभा दिख रहा है ये वाला था उस जगह से जहाँ मैंने पीछे आपको बताया था, उतनी दूर में भाई ऐसे डिवाइडर पे गधे खड़े हुए थे। तो और जैसे ही मेरी गाड़ी भाई थोड़ा सा पास पहुंची और गधे चल के ऐसे रोड पे, मैंने पूरे ब्रेक अप्लाई किए और गाड़ी पूरी अपनी इस साइड काट के और निकाल दी। जैसे 117 पे है, 117 1 2 30 की स्पीड समझे, मतलब इतने अच्छे भाई इसके ब्रेक्स हैं। अगर ब्रेक्स अच्छे ना होते तो मैं जाके सीधा गधे पे लड़ा होता, गधा आया होता यहाँ मेरी विंडशील्ड पे आके मुझे स्मूच कर लेता, ये सीन होता। और ऐसा भाई मेरे एक दोस्त के साथ हुआ भी है, उस गाय से उसका एक्सीडेंट हुआ था, हाथ पैर मेरे दोस्त का सब कुछ टूट गया था, आइटन से उसका हुआ था। उसके अलावा भाई एक बार मैं झांसी जा रहा था, जो एक ओवरब्रिज था उस पे हम लोग चढ़ गए, और ओवरब्रिज भाई 20 से पूरा ऐसे टूटा हुआ था और वहां बैरिकेटिंग लगी हुई थी। लाइट्स का भाई इसका रिस्पॉन्स बहुत खराब है, वो अभी हम निगेटिव में इसके काम करेंगे। तो भाई इसकी लाइट्स ने हमें दिखाई नहीं कि आगे बैरिकेटिंग है। हम लोग एकदम जब पास पहुंच गए, गाड़ी थी लगभग 80 पे, ज्यादा से ज्यादा भाई बचा होगा हम लोगों के बीच में 30-40 मीटर का फासला। पूरे ब्रेक्स मैंने दबाए, गाड़ी ऐसे एबीएस ने अपना काम दिखाया, रुकते 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 जाके ऐसे बैरिकेटिंग पे टच होके रुक गई। अगर 5 मीटर भी भाई गाड़ी आगे गई होती, 5-2 मीटर भी गाड़ी अगर आगे गई होती ना, तो हम लोग ऐसे गाड़ी ना हमारी फ्लाइंग जेट बन के ऐसे चली गई होती पूरा ओवरब्रिज से नीचे, और हम लोग भी आज ऊपर ही होते। हम लोग क्या मतलब, मैं ही ऊपर ही होता। तो ब्रेक्स भी भाई गाड़ी में काफी अच्छे हैं, जो कि एक ओनर आपको बता रहा है तो सोचिए सही बता रहा होगा, और रेनो से मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे बताने के लिए। उसके बाद भाई गाड़ी का टर्निंग रेडियस देखो, सिंगल लेन रोड ही है पर गाड़ी का टर्निंग रेडियस काफी अच्छा है। पर अभी हम इसके निगेटिव की बात करेंगे, तब मैं आपको कुछ चीजें इसमें और बताऊंगा। तो चलो यहाँ से एक यू टर्न ले लेते हैं, फिर आपसे आगे की बात करता हूँ। देखो स्टीयरिंग वगैरह भाई गाड़ी की बहुत सॉफ्ट है, एक हाथ से आप गाड़ी को आराम से खटाखट चला सकते हैं। उसके बाद भाई अब पॉइंट आता है गाड़ी के निगेटिव का। भाई अगर आप रेनो ट्राइबर ऑन कर रहे हैं और ये आपकी पहली गाड़ी होने वाली है, तो आप मेरी मानिए भाई आप ड्राइवर पे मत जाइए, पहले आप एक कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेके गाड़ी सीख लीजिए अच्छे से, फिर ड्राइवर चलाइए। क्योंकि गाड़ी भले ही 4-स्टार रेटेड सेफ्टी के साथ आती है, इंडिया की सेफेस्ट 7-सीटर है, पर भाई गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा घटिया है। थोड़ा सा भी कहीं टच हो जाएगा तो आपके अच्छा खासा खर्चा बैठ जाएगा। अभी मैंने कुछ टाइम पहले इसमें क्लेम दिया था, ये वाला गेट चेंज हुआ था, पीछे वाले गेट में इसके पेंट हुआ था, इसका बम्पर और एक लाइट, इतने का भाई 70,000 रूपये का बिल बनाया था कंपनी वालों ने। ये देखो क्लेम ले लिया था, 1,500 में काम हो गया था, वरना समझ रहे हो ऐसी तैसी हो गई हो। 70,000 में भाई सेकंड हैंड एक ऑल्टो आ जाती है यार। तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा घटिया है। अब कुछ लोग कहेंगे अगर बिल्ड क्वालिटी घटिया है सेफ्टी रेटिंग इतनी कैसे, तो भाई बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी दोनों अलग टर्म्स होते हैं। बिल्ड क्वालिटी आपकी मैटर करती है गाड़ी की चद्दर पे, गाड़ी में जो बॉडी है इस पे, और वहीं सेफ्टी रेटिंग भाई मैटर करती है गाड़ी के प्लेटफॉर्म पे।
तो प्लेटफॉर्म गाड़ी का अच्छा है पर गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा घटिया है। उसके बाद भाई हम बात करें गाड़ी के सेकंड निगेटिव की, तो सेकंड निगेटिव है भाई इसके हेडलैम्प्स। इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं हेलोजन में, पर भाई बहुत ज्यादा घटिया है उसका रिस्पॉन्स। मतलब मेरी मानो तुरंत ही चेंज करवा लेना, क्योंकि वो प्रोजेक्टर की प्रोजेक्टर्स है ही नहीं, सिर्फ नाम मात्र प्रोजेक्टर्स हैं। उससे कहीं ज्यादा अच्छी लाइट्स भाई आपको आपकी स्कूटी में मिल जाएंगी। मतलब लाइट्स का थ्रो बहुत बेकार है भाई, जब आप ऑन हाईवे कभी चलेंगे ना तब आपको फील होगा कि इसकी लाइट्स कितनी ज्यादा घटिया हैं। दो निगेटिव भी इसके हो चुके हैं। थर्ड निगेटिव भाई इसका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है, तो कैमरे का रिस्पॉन्स भाई शुरू में काफी ज्यादा अच्छा था, पर ओवर द टाइम भाई कैमरा काफी ज्यादा फेड हो चुका है। रात में तो फिर भी थोड़ा बहुत दिखा देता, पर दिन में भाई बहुत ही ज्यादा घटिया क्वालिटी है इसके कैमरे की। ये रहे भाई इसके तीन मेजर निगेटिव जो इसमें आपको फील होने वाले हैं और जो मुझे अभी तक फील हुए हैं। उसके अलावा भाई गाड़ी में कोई ऐसा निगेटिव नहीं है, इंजन से रिलेटेड, कंफर्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज में आपको कोई भी निगेटिव नहीं फील होने वाला है। जो मैंने आपको तीन निगेटिव बताया, यही तीन आपको निगेटिव अपनी गाड़ी में फील होंगे। अब बात करते हैं भाई अपने कंक्लूजन की कि ओवरऑल भाई गाड़ी कैसी है, क्या आपको इस गाड़ी में जाना चाहिए या फिर नहीं। तो भाई ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो गाड़ी बहुत अच्छी है, आप गाड़ी में जा सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में पांच से ज्यादा लोग हैं तो जितने प्राइस में आपको फाइव सीटर कार मिलेगी उतने में आपको रेनो की ट्राइबर मिल जाएगी। और देखो जैसे कि मैं 70-80 की स्पीड में चला रहा हूँ, गाड़ी बहुत सही परफॉर्म करती है, तो आपको पावर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम इसमें फील नहीं होने वाली है। ऑन एसी भी गनार, स्विफ्ट डिजायर, i10, इन सबसे अच्छा है कि भाई आप रेनो ट्राइबर पे जाओ। मेरी मान के अगर आप जाओगे तो भाई पक्का आप काफी ज्यादा अपने डिसीजन पे प्राउड फील करोगे। रेनो ट्राइबर भाई सच में काफी अच्छी कार है, और इन फ्यूचर तो भाई मैंने सोच रखा है कि इस गाड़ी से मैं लंबी कोई ना कोई ट्रिप मारूंगा, चाहे मैं कश्मीर से कन्याकुमारी चला जाऊं, पर एक मैं लंबी ट्रिप जरूर मारूंगा इस गाड़ी से, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये गाड़ी कभी हमें धोखा देगी ही नहीं। इतना भाई चला लिया है, रात रात में निकले हैं, कभी भाई गाड़ी ने कभी चीपा कुछ भी नहीं किया भाई, बहुत सेक्सी गाड़ी निकाली है रेनो ने। और इन फ्यूचर अगर कोई इसका फेसलिफ्ट आएगा तब तो भाई आग ही लगा देगा वो, क्योंकि अभी अगर कार जब इतनी अच्छी है तो फेसलिफ्ट आने के बाद तो भाई क्या ही हो जाएगा। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बाकी वीडियोस से अलग लगी होगी और इसमें मैंने आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय श्री राम।